में लड़ा है, रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा डरो मत भागो मत। भागे कौन है बताओ आप? मोदी जी खुद भागे हैं, उनका क्या संबंध वाराणसी से था? वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहां क्यों आए हैं? तो ये कहना मित्र की बात है, ये खाली वो इतने घबरा गए मोदी जी, इतने बौखला गए हैं, जिस जगह की भाषा वो काम ले रहे हैं हमारे बांसवाड़े के अंदर, उसके पहले हमारे मैनिफेस्टो को बता दिया, मुस्लिम लीग का बता दिया, बारहला बता देगा कि मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस पार्टी, ले लेगी आपके सोना इकट्ठा कर लेगी, बांट देगी वो, ये तमाम इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता के खिलाफ भाषण है उनके, क्योंकि आप धर्म के नाम पर वोट मांगना भी क्राइम है, आप मांग रहे हो और वो बोल नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को चाहिए जो इनके तीन जगह स्पीचेज हुई है उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी पर कम से कम 10 दिन की रोक लगा देते हो कैंपेन करने से, तब लगता है पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरह काम कर रहा है।